नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको अंतरिक्ष से जुड़ी अद्भुत जानकारियां देते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे ब्रह्मांड की सबसे रोमांचक जगहों में से एक, मिल्की वे, आकाशगंगा की। मिल्की वे, या कहें हमारी आकाशगंगा, इतनी विशाल और रहस्यमयी है कि इसके बारे में जानने का सफर कभी खत्म नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मिल्की वे से जुड़े कुछ ऐसे ही अद्भुत तथ्य। तो सबसे पहला सवाल, मिल्की वे कितनी बड़ी है? दोस्तों, हमारी आकाश गंगा लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष तक फैली हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर हम प्रकाश की गति से भी चलें, तो इसे पार करने में हमें 1,00,000 साल लग जाएंगे। ये अकल्पनीय दूरी है और इसकी चौड़ाई को समझने में ही मन चकरा जाता है। अब बात करते हैं हमारे सूर्य की। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा सूर्य आकाश गंगा के केंद्र में नहीं है। ये केंद्र से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, जिसे हम ओरायन आर्म में कहते हैं। हमारी पृथ्वी और सौर मंडल आकाश गंगा के बाहरी किनारे की ओर हैं। मिल्की वे केवल स्थिर नहीं है, बल्कि ये घूम भी रही है। हाँ, आपने सही सुना, ये एक बहुत विशाल घूमते हुए डिस्क के समान है। हमारी पूरी आकाश गंगा लगभग 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूम रही है। हालांकि हमें ये महसूस नहीं होता, क्योंकि हर चीज हमारी आकाश गंगा के साथ ही घूम रही है। अब ये जानना भी रोचक है कि मिल्की वे में कितने तारे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसमें लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं। और दोस्तों, यही नहीं, हमारी आकाश गंगा में हजारों सौर मंडल है, जो अलग अलग तारों के चारों ओर घूम रहे हैं। तो अगर कोई सोचता है कि हमारा सौर मंडल ही सब कुछ है, तो ये जान लें कि हम तो बस एक छोटे से धूल कण की तरह हैं इस विशाल आकाश गंगा में। अब आकाश गंगा के केंद्र में क्या है? दोस्तों, हमारे मिल्की वे के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है, जिसे हम सैजिटेरियस ए कहते हैं। ये इतना भारी है कि इसका मास हमारे सूर्य से लगभग 4 मिलियन गुना ज्यादा है। ये ब्लैक होल इतना शक्तिशाली है कि इसके चारों ओर की सभी चीजें इसकी ओर खींची जाती हैं। मिल्की वे का जन्म लगभग 13.6 अरब साल पहले हुआ था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आकाशगंगा तब बनी जब छोटे छोटे क्लाउड्स और गैस एक दूसरे के साथ टकराए, और भविष्य में लगभग 4.5 अरब साल बाद मिल्की वे की टक्कर हमारी नजदीकी आकाशगंगा एंड्रोमेडा से होगी, जिससे एक नई आकाशगंगा का जन्म होगा। आपने कभी सोचा कि इसे मिल्की वे नाम क्यों दिया गया? दरअसल, प्राचीन ग्रीक और रोमन संस्कृति में इसे स्वर्गीय दूध की नदी की तरह देखा गया था। इसीलिए इसका नाम मिल्की यानी दूध और वे यानी रास्ता रखा गया। लेकिन भारत में इसे आकाशगंगा कहा गया, जिसका मतलब है आकाश की गंगा नदी। तो दोस्तों, ये थे मिल्की वे आकाशगंगा के कुछ अद्भुत और रोमांचक तथ्य। सोचिए, हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं, और फिर भी कितनी विशाल और अद्भुत चीजों का हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल द अनबिलीवेबल कॉस्मोस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अंतरिक्ष की दुनिया के और भी रोमांचक रहस्यों को ला सकें। बाकी वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।